मैं नवल किशोर यादव, शासकीय उपर माध्यमिक शाला निमगांव में पदस्थ हूँ। मैं छत्तीसगढ़ स्टेट से जशपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। सबसे पहले मैं ZIII शून्य निवेश से नवाचार के संबंध में इसकी सबसे पहले जानकारी हमको डिस्ट्रिक्ट में हुए आयोजित कार्यशाला में मिली, जहाँ पे श्री अरविंदो सोसाइटी के MT महोदय जी के द्वारा हमें इसके बारे में बताया गया, जिसमें शून्य निवेश से नवाचार कैसे किया जाता है ये हमने जाना, और इनकी उपलब्धियाँ क्या है इन सब के बारे में उन्होंने समझाया। इसके बाद हमने शून्य निवेश से नवाचार के संबंध में अपने स्कूल में कुछ आइडियाज़ लागू किए, जैसे हमारे इम्प्लीमेंट आइडिया का मुख्य शीर्षक है निगरानी सुरक्षा समिति। निगरानी सुरक्षा समिति शाला के द्वारा ही चुने गए 11 सदस्यों की एक टीम होती है, और इनका कुछ कार्य इनको सौंपे गए हैं जिससे ये स्कूल के वातावरण को स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण रख सके। निगरानी सुरक्षा समिति के द्वारा ही प्रत्येक माह कक्षा में सबसे अधिक उपस्थिति वाले बच्चों को प्रार्थना के समय सबके सामने बुलाकर तालियों के द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिससे यह लाभ मिला कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई। प्रत्येक महीने बच्चों को कहा गया कि अपने कक्षा में स्वयं से अपनी उपस्थिति को नोट करते जाएं कि कौन सा बच्चा कितने अधिक दिन स्कूल आ रहा है। इससे देखने को यह मिला कि बच्चों में कंपटीशन की भावना जागी और वे अपने उपस्थिति के दिनों को खुद से गिनती करने लगे, और उससे लाभ यह हुआ कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ती गई। दूसरा, निगरानी सुरक्षा समिति के सदस्यों का कार्य था कि वे वृक्षों पे स्लोगन लिख के चिपकाते थे, जिससे बच्चों के बारे में वृक्षों के बारे में जागरूकता बढ़ी और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ी। तीसरा, निगरानी सुरक्षा समिति के द्वारा किया गया अच्छा कार्य था कि वे मध्यान्ह भोजन के समय बच्चों को पंक्ति में बैठाकर एक साथ प्रार्थना करवाते थे और उसके बाद भोजन करने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो हमारा जो आइडिया था निगरानी सुरक्षा समिति, इसमें उनके सदस्यों के द्वारा और स्कूल के द्वारा अच्छी सहभागिता दी गई। मैं इन सब के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि शिक्षकों के लिए एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे कि हमारे इम्प्लीमेंट आइडिया और विचारों का आदान प्रदान हम कर सके, हम अपने विचार भी दूसरे को दे सके और दूसरे स्टेट के शिक्षकों का विचार भी हम तक पहुँच सके। मैं तहे दिल से श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का धन्यवाद करना चाहता हूँ।